प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं हूं मीमांसा रंजन और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज यानी रविवार को पटना में होंगे। उनके पटना आने की वजह भाजपा के संयुक्त मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति के दूसरे और अंतिम दिन के समापन समारोह को संबोधित करना है। वो विशेष विमान से 1:30 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीधा मौर्य होटल जाएंगे। उनके शेड्यूल के अनुसार वो 3:30 बजे ज्ञान भवन में राष्ट्रीय कार्य समिति के समापन सत्र में भाग लेने वाले हैं। आइए जानते हैं अमित शाह के आगमन पर पटना में क्या क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के रविवार को पटना आगमन को लेकर एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान ज्ञान भवन तक कड़ी सुरक्षा रहेगी। बेली रोड, डाक बंगला चौराहा, जेपी गोलंबर और ज्ञान भवन के आसपास जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा को लेकर 75 मजिस्ट्रेट और 800 पुलिस बल को लगाया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 1:30 बजे विशेष विमान से गृह मंत्री पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद उन्हें बेली रोड होते हुए ज्ञान भवन लाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम ज्ञान भवन और मौर्य होटल में होने के कारण उस ओर जाने वाले वाहनों को कुछ देर के लिए दूसरे रूट से जाने की इजाजत दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री के पहुंचने से पहले ही गांधी मैदान की ओर जाने वाले वाहनों को दूसरे रूट की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। कार्यक्रम समाप्ति के बाद ही यातायात सामान्य होगी। दूसरी ओर अमित शाह के एयरपोर्ट से गांधी मैदान पहुंचने के बाद ही लिंक पथों से बेली रोड में वाहनों को आने की इजाजत दी जाएगी। अमित शाह के पटना आगमन को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 अस्पताल PMCH और IGMS में चिकित्सकों की विशेष व्यवस्था की गई है। इन दोनों अस्पतालों में ICU, OT और स्पेशल वार्ड सुरक्षित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इन अस्पतालों का भी शनिवार को जायजा लिया। 2 ब्लड बैंकों में पर्याप्त खून की व्यवस्था भी की गई है। अतिरिक्त एम्बुलेंस और मेडिकल अफसरों की तैनाती की गई है। PMCH के अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर और IGMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि अमित शाह के लिए 10 बेड सर्जिकल ICU और 20 बेड का अलग से वार्ड और एक OT रिजर्व रखा गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।